फ्रेंड्स आपको ये वाला गेट मिलेगा 1.5 किलोमीटर बाद फ्रेंड्स, और इस गेट से आप लोग इस साइड को जाएंगे तो आप लोग चंद्रोड़ से आगे जो विजयनगर गाँव पालिका है उस साइड में पहुंचेंगे। तो इस साइड से रोड है, ये रोड फ्रेंड्स पूरा पीछे अभी, और यदि आप लोग इस वाले जो ये लेफ्ट साइड को रोड जाती है उस साइड को जाएंगे तो फ्रेंड्स आप लोग चंद्रोड़ा पहुँचेंगे, जो चंद्रोड़ा का मेन बाज़ार है, जो पूरा पश्चिम की ओर जो रोड जाता है उसमें पहुँचेंगे आप लोग। साइड पे बस जा रही है फ्रेंड्स, आपका जिस साइड पर बस जा रही है उस साइड को आप लोग जाएंगे तो आप लोग चंद्रोड़ा पहुंचेंगे, और उस साइड से आप लोग आएंगे तो जो कृष्णनगर बॉर्डर है उस साइड से आएंगे तो कृष्णनगर बॉर्डर से आएगा, और इस साइड से जाएंगे तो आप लोग चंद्रोड़ा से आगे विजयनगर पहुँचेंगे। विजयनगर का जो रोड है फ्रेंड्स नगर पालिका जाने के लिए उस रोड में पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस जो मेन गेट है फ्रेंड्स इससे मैं आप लोगों को कृष्णनगर की ओर ले जाऊंगा, और जो यहाँ का बॉर्डर है इंडियन बॉर्डर जो कृष्णनगर का बॉर्डर है वो दिखाऊँगा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को। आप लोग चंद्रोड़ा से थोड़ा आगे पहुंचेंगे यदि आपको कोलपुर नेपालगंज की ओर जाना है, और जिस साइड बाइक्स जा रहे हैं फ्रेंड्स यदि आप लोग इस साइड को जाएंगे तो फ्रेंड्स आप लोग चंद्रोड़ा के बाजार में पहुंचेंगे, आप इस चौक में पहुंचेंगे फ्रेंड्स, और जब आप कृष्णनगर बॉर्डर से होके आएंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये दिख रहा है आपको पार सफ़ेद वाला, ये हॉस्पिटल है फ्रेंड्स यहाँ का, सब कुछ होगा डिटेल में तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स ये आर्मी कैंप है आगे जो दिख रहा है, शायद वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं होगा इस वजह से मैं बंद कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग यदि कृष्णनगर से नेपाल की ओर जा रहे हैं या नेपाल से कृष्णनगर की ओर जा रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा उसको रिवाइंड करके सोचना है, कृष्णनगर से वो आ रहा है तो आप लोगों के लिए दोनों के लिए यूजफुल रहेगा फ्रेंड्स ये वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं आपको गली गली भी घुमा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है कृष्णनगर का पानी टैंकी है फ्रेंड्स जो पीछे वाला है वो थोड़ा फ्रेंड्स उखड़ा हुआ है, पर फ्रेंड्स इसका काम चल रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से ये थोड़ा रोड ख़राब है, कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट मैं इतना दूर आ चुका फ्रेंड्स पैदल चल के, कम से कम मैं आधा किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ फ्रेंड्स। देखते हैं आप लोग पीछे से, मैं नेपाल से कृष्णनगर की ओर जा रहा हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग मार्केट में एंट्री कर चुके हैं।
एक किलोमीटर फ्रेंड्स आगे आ चुका हूँ नेपाल से कृष्णनगर की ओर। फ्रेंड्स थोड़ा कबाड़ बहुत है इधर, शायद काम चल रहा है इधर रोड का, कबाड़ उठाने का काम भी चल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम एटलीस्ट जो बस पार्क है वहाँ पहुँचने वाले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बस पार्क है कृष्णनगर का, आप लोग यहाँ से नेपाल के लिए जाने वाली बसें ले सकते हैं इजीली, या टिकट बुकिंग करके या आप लोग ऑफलाइन पेमेंट करके भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग मंदिर के पास पहुँचे फ्रेंड्स, देख सकते हैं पीछे नदी है, इसमें जो भी है फ्रेंड्स सामान लेके आते हैं बहुत सारे खाने पीने वाले और रोड कंस्ट्रक्शन बहुत सारे सामान होते हैं वो लेके आते हैं। जो यहाँ की गवर्नमेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पे अभी वो कर रहे हैं ये कूड़ा करकट भी सफ़ा करें। तो एटलीस्ट फ्रेंड हम लोग अब कृष्णनगर जो आपका सीमा नाका बॉर्डर जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसके पास पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। दो मिनट में फ्रेंड्स हम लोग बॉर्डर के नज़दीक होंगे। आर्मी चेकिंग है तो शायद हमारे कैमरा ऑफ रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं गेट के पास और जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं भी बॉर्डर एरिया से थोड़ा आगे आ चुका हूं, ताकि वहां पे सिक्योरिटी रीज़न के कारण फ्रेंड्स कैमरा अलाउड नहीं है, इस वजह से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो मैं फ्रेंड्स ये बरेनी चौक है, बरेनी चौक में आया हूं फ्रेंड्स, इस साइड को एक गाँव की ओर रास्ता जाता है और यदि आप लोग इस साइड को जाएंगे तो आप लोग लखनऊ रोड में पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था कृष्णनगर बॉर्डर नाका इंडो नेपाल बॉर्डर का। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को हमारे को बताने के लिए फ्रेंड्स कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका हृदय दिल से थैंक यू।